मैं रमाकांत यादव गाजीपुर से। सबसे पहले तो मैं हिंदी को प्रणाम करता हूँ, कविता को प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत आभार संयोजक भैया त्रिनेत्र दुबे जी का जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है। दोस्तों मैं अभी बीएचयू के लिट फेस्ट में पढ़ा, वहाँ पे जो मतलब कि यहाँ ध्येय आईएएस के संस्थापक का जो 20 मिनट था उसमें से 3 मिनट सर मुझे काट के दिया गया और मैं लगातार वहाँ पे 10 मिनट तक पढ़ा। माँ हिंदी की ही कृपा है। और उन्होंने अंत में एक बात कही मुझसे कि चूँकि मैं उनका उनके ही टाइम का मैं 10 मिनट पढ़ा था, तो उन्होंने कहा कि कविता मनोरंजन का विषय है, इंटरटेनमेंट का विषय है और इसे मनोरंजन की तरह ही सुने। 10-20 मिनट आप लोग सुन लिया और मेरी बात, तो मुझे बहुत कष्ट हुआ, अंदर से कष्ट हुआ। मैं समझता हूँ कि कविता मनोरंजन का विषय नहीं है। कविता जो है इसलिए मत सुनिए कि थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा, कविता इसलिए सुनिए कि पता नहीं कब कभी कौन सी बात कह दे कि आपके अंदर मनुष्यता का बीज निरूपित हो जाएगा। कविता इसलिए सुनिए कि कविता आपको मनुष्यता का राह दिखाती है, कविता आपकी आत्मा की शुचिता को विकसित करती है। इसलिए मन से सुनिएगा, मैं कविता सुनाऊंगा, सुनिएगा। कि जाम की बात है तो आंखों से पिलाई जाए, जहां पे वाह करना है वहीं पे वाह करिएगा, गंभीरता से सुनिएगा। कि जाम की बात है तो आंखों से पिलाई जाए, रूह प्यासी है तो इसकी प्यास बुझाई जाए। जाम की बात है तो आंखों से पिलाई जाए, रूह प्यासी है तो इसकी प्यास बुझाई जाए। मध्यम मध्यम सा लग रहा है सर्द का मौसम, आओ ख्वाहिशों में भी आग लगाई जाए। चूंकि दोस्तों लड़कियां छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती हैं और कब गुस्सा हो जाती हैं कब खुश हो जाती हैं हमें पता भी नहीं चलता है। तो लिखा था कि हमें यूं छोड़ करके बेसहारा कर न पाओगी, हमें यूं छोड़ करके बेसहारा कर न पाओगी, हमारी कुर्बतों से यूं किनारा कर न पाओगी। ये आदत है बुरी यूं खामखा ही रूठ जाने की, पर मैं जब याद आऊंगा गुजारा कर न पाओगी। चूंकि मैं आप लोगों को दो गीत सुनाऊंगा तो शायरी और मुक्तक की संख्या मैंने थोड़ा सा कम किया है, दो गीत सुनाऊंगा आपको। चूंकि हम लोग लड़के क्या हैं कि मोहब्बत में जानबूझ के हार जाते हैं और लड़कियों को ये लगता है कि हमारी जीत हुई है, तो ये गलत फहमी है, थोड़ा सा इसको समझना चाहिए। चूंकि हमारा हमारी हार में ही हमारी जीत छिपी हुई होती है, इस समर्पण को समझना चाहिए। सुनिएगा कि तुम्हारी याद को ही गीत लिख रहा हूँ मैं, हुआ जो तुझसे वही प्रीत लिख रहा हूँ मैं। तुम्हारी और मेरी बीच की लड़ाई में फकत तेरी ही क्यों जीत लिख रहा हूँ मैं। दोस्तों लड़कियां चाहती हैं पर बताती नहीं हैं, उन्हें भी प्यार होता है पर जताती नहीं। तुम्हारी और मेरी बीच की लड़ाई में फकत तेरी ही क्यों जीत लिख रहा हूँ मैं। निवेदन करता हूँ कि मेरे एक हार पे ही, बस एक हार पे ही, हाँ एक हार पे ही हक तो जता दो जाना। मेरे एक हार पे ही हक तो जता दो जाना, तुझे भी प्यार है तो खुल के बता दो जाना। ये गीत सुनाऊंगा, उससे पहले चार पंक्तियां सुनाता हूँ मेरे दर्द को समझना कि तुम्हारे बिन हमारे दिल की बात कौन समझेगा, जो छुप छुप के हुई वो मुलाकात कौन समझेगा। तुम्हारे बिन हमारे दिल की बात कौन समझेगा, जो छुप छुप के हुई वो मुलाकात कौन समझेगा। गर तुम ही दे जाओगी इतनी गहरी बिरह की वेदना, तो बिरह के आंसुओं की बरसात कौन समझेगा। पहला गीत सुनाता हूँ, सुनिएगा, मन से सुनिएगा, बहुत ही मन से लिखा है मैंने, सुनिएगा। मिल जाएगा संसार प्रिय, कह दो कि हाँ है प्यार प्रिय, एक तुम ही मेरा जीवन हो
और तुम ही इसका सार प्रिय। और एक मुस्कुराहट पे यदि जान लुटाई हो तो बताना। मिल जाएगा संसार प्रिय, कह दो कि हाँ है प्यार प्रिय, एक तुम ही मेरा जीवन हो और तुम ही इसका सार प्रिय। बस तेरे एक सम्मोहन पे, बस तेरे एक सम्मोहन पे तन मन घायल हो जाता है। बस तेरे एक सम्मोहन पे तन मन घायल हो जाता है। ए नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। ए नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि मोहब्बत में बहुत ही दर्द होता है, मत करो, बहुत ही मामला गंभीर है। मैं कहता हूँ, क्या सुनिएगा, कि मैं इश्क के दर्द से गुजरना चाहता हूँ, मैं टूट टूट कर बिखरना चाहता हूँ। मैं इश्क के दर्द से गुजरना चाहता हूँ, मैं टूट टूट कर बिखरना चाहता हूँ। बस एक बार तेरी नज़रों से होकर मैं तेरे रूह में उतरना चाहता हूँ, मैं तेरे रूह में उतरना चाहता हूँ। एक तुझ में ही जी जाऊँ मैं, हर जख्मों को सी जाऊँ मैं, तेरे दर्द भरे हर आंसू का कतरा कतरा पी जाऊं मैं, तेरे दर्द भरे हर आंसू का कतरा कतरा पी जाऊं मैं। हंस हंस कर दर्द को पीने से, हंस हंस कर जख्म को सीने से मन प्यासा ही रह जाता है। ए नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। दोस्तों लिखा था कि तू ना हो हम सफर तो सफर अच्छा लगेगा क्या, तू ना हो हम सफर तो सफर अच्छा लगेगा क्या, तेरी आहट न हो जिसमें वो घर अच्छा लगेगा क्या। जरा एक बात मुझसे अब बता जाना मेरी जाना, जो कल छोड़ जाओगी तो शहर अच्छा लगेगा क्या। मैं क्या हूं दोस्तों, इस गीत का सबसे बेहतरीन बंद जो मुझे प्यारा है, सुनिएगा। मैं दिल में पीर लिए फिरता, आँखों में नीर लिए फिरता, रांझा हूँ खुद की याद नहीं यादों में हीर लिए फिरता, रांझा हूँ खुद की याद नहीं यादों में हीर लिए फिरता। तेरी यादों की भटकन में, तेरी यादों की तड़पन में मेरा सुध बुध खो जाता है। ए नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। ए नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। एक बंद है, इसके बाद एक छोटा सा गीत सुनाऊंगा आपको। एक बंद है, मन से सुनेगा, आप लोग बोलिएगा दोस्तों मेरे साथ कि ये दिल पागल हो जाता है। ए नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है, बोलिएगा दिल पागल हो जाता है। देखिए मजा आएगा कविता का, कि तेरे बिन कुछ ना भाता है, ए दिल पागल हो जाता है, कुछ भी तो रास ना आता है, ए दिल पागल हो जाता है। तुम दूर न हो जाओ हमसे मन सहमा सहमा जाता है। अब एक पल की भी दूरी को, अब पल भर की मजबूरी को मन सहन नहीं कर पाता है। ए नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। ए नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। सुनिए दोस्तों एक और गीत है, छोटा सा, उसको सुनाता हूं। चूंकि मोहब्बत में यदि आपसे कोई पूछे कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है, मैं समझता हूं कि ये मोहब्बत करने वालों के लिए सबसे खतरनाक वाक्य है। यदि आप ये तक नहीं बता पाए हैं अपनी आदतों से, अपनी हरकतों से, अपने विश्वास निरूपित नहीं कर पाया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, यदि पूछना पड़ जाता है उसको कि क्या दिल में जगह है, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही मतलब खतरनाक वाक्य है।
और यदि कोई देवदास किसी पारों के गेट पर, किसी राजा साहब के गेट पर पारों के लिए हिचकियां लेके मर जाता है, तो उस देवदास के लिए ऐसे विचार के लिए ये चीज़ बहुत ही खतरनाक है। एक गीत है, छोटा सा सुनाता हूँ कि मैं कहाँ, मैं दिल और दिमाग में दी, वो पूछी कि कहाँ रखे हो, तो मैं बताया उसको, सुनिएगा। कि इस खून के कतरे कतरे पर तो बस तेरा ही नाम लिखा, इस खून के कतरे कतरे पर तो बस तेरा ही नाम लिखा, मेरी जाना तेरे ही अधरों को हमने चारों धाम लिखा, मेरी जाना तेरे ही अधरों को हमने चारों धाम लिखा। हरिवंश राय बच्चन साहब, गंभीर गीत है दोस्तों, मन से सुनिएगा, मेरे दर्द को समझिएगा। हरिवंश राय बच्चन साहब ने कहा है कि देकर हृदय हृदय पाने की आशा व्यर्थ लगाना क्या, और प्यार किसी से करना लेकिन कहकर उसे बताना क्या। यदि कहना पड़ जाता है तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा कम है, उसका दम थोड़ा सा कम है, सुनिएगा। कि जब कहकर ही बतलाना हो मुझको ये प्यार नहीं आया, मुझको बाबू सोना वाला ये सब ब्याह पार नहीं आया। अभी अभी हमने लखनऊ की सड़कों पर, कानपुर की सड़कों में देखा कि बाइक स्टंट करते हुए कपल किस करते जा रहे हैं। हमें इससे दिक्कत नहीं है दोस्तों, हमें दिक्कत इससे है कि प्यार का प्रदर्शन हो रहा है। प्यार प्रदर्शन का विषय नहीं है, प्यार दर्शन का विषय है। तब समझिएगा कि जब इन चट्टी चौराहों पर, जब चलते फिरते राहों पर ही प्यार प्रमाणित हो जाए, क्यों मुझ अलहड़ बीराने में ऐसा इजहार नहीं आया। मैं ईश्वर से क्षमा मांगते हुए एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ईश्वर से क्षमा मांगता हूँ कि अब मेरे तन मन जीवन में, यदि मुझे भी प्रदर्शन करना आया होता तो मेरी भी मोहब्बत, मतलब मैं भी असफल ना हुआ होता दोस्तों। अब मेरे इस खालीपन में किसके हिस्से का काम लिखा, मेरी जाना तेरे ही अधरों को हमने चारों धाम लिखा। एक बंद और है, कुमार विश्वास साहब ने कहा है कि हिम्मत का सागर लांघो तो लहर लहर जयकारा होगा, हिम्मत का सागर लांघो तो लहर लहर जयकारा होगा, दिल टूटे या एटम टूटे दुनिया में उजियारा होगा। यदि बाहर भूकंप आता है, तरंगे हिलती हैं दोस्तों, तो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं ढह जाती हैं सेकंडों में। यदि मन की तरंगे जब टूटती हैं, जब दिल टूटता है ना, तो आंखों में बसे हुए हजारों ख्वाब हजारों सपने उससे भी तेज ढहते हैं। तब लिखा हूँ, सुनिएगा। कि ऐसे ही आँखों के सपने तो पानी पानी होते हैं, ऐसे ही इश्क अधूरे हो तो एक कहानी होते हैं। तुमने मुझको जब भी देखा इन लबों की खामोशी देखी, गर सुनो कभी तो इन आँखों के अश्क जुबानी होते हैं। और एक उसकी हरकत पे, एक चाहत पे बाजारों में दौड़े हों, चौराहों पे दौड़े हों, तब बताना। कि तेरे इन शोख अदाओं के, तेरी मदहोश निगाहों के हर हरकत को पैगाम लिखा, मेरी जाना तेरे ही अधरों को हमने चारों धाम लिखा, मेरी जाना तेरे ही अधरों को हमने चारों धाम। चार लाइन है, अंत में समापन करता हूँ, सुनिएगा। कि तेरे ही वास्ते तो आँखों में नमी है, अब मेरा दर्द, मेरे सीने का दर्द आपके सीने में पहुँच जाए तो विदा दीजिएगा। कि तेरे ही वास्ते तो आँखों में नमी है अब, हाँ मेरी जिंदगी में तेरी ही कमी है अब, है क्या अब तुझको खता मुझसे बताते जाओ,
है क्या अब तुझको खता मुझसे बताते जाओ, अब तो जाना ही है तो दिल से लगाते जाओ, अब तो जाना ही है तो दिल से लगाते जाओ। किए हो इश्क और इसमें गुजारा ढूंढते हो, किए हो इश्क और इसमें गुजारा ढूंढते हो, फकत उसकी ही बाहों का सहारा ढूंढते हो। कि हैं गहराइयां कितनी खबर इसकी नहीं, लेकिन नदी में कूद करके फिर किनारा ढूंढते हो।